मॉर्निंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हम आज हम लोग जो केमिस्ट्री के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे हमारे, उस क्वेश्चंस को शेयर करेंगे और हम अपना केमिस्ट्री को आज कंप्लीट करके बायोलॉजी के तरफ मूव करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब हमारे पास टाइम रह नहीं गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 106, क्योंकि हमने इससे पहले 105 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, मतलब देखिए फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में प्रोवाइड करवाए। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो को इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे से जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो भी बनाना होता है, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो इजीली हो सकता है उसे मैं ज़रूर कर देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। आप लोग देखिए, ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या है, मतलब ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट में जो महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो मिक्स्ड समाविष्ट मीन्स मिक्स्ड इम्पॉर्टेंट जो तत्व होता है क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसका जो होता है, आप ऑप्शन देखिए क्या क्या है, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और लीड। तो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में जो होता है सबसे ज़्यादा लीड होता है। ठीक है, लेड मतलब शीशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है, मतलब जो प्लास्टिक का बोतल हम लोग यूज करते हैं उसका जो वो बोतल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो वो बोतल जो होता है आपको पॉलीथीन का बना होता है। किस चीज़ का? पॉलीथीन का बना होता है। डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन अपना है, जो माइक्रोचिप्स बनते हैं हमारे, ये उस सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। माइक्रोचिप्स जो हमारे होते हैं, माइक्रोचिप्स जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं, वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ठीक है, तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? सिलिका ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिलिका होता है। मैलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है। मैलिएबल सोच विच प्रॉपर्टी, तो आपको इसका क्वेश्चन हो जाएगा धातु। मैलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है। ठीक है, मैलिएबल जो होता है धातु के गुण को दर्शाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों? कारण क्या है कि फास्फोरस को अगर हम पानी से बाहर निकालते हैं तो उसमें आग लग जाती है, इसके कारण फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। टूथपेस्ट में आपको सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, लेकिन फ्लोराइड नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से समानताओं का पता लगाएं, तो आपको समानता बताना है। ठीक है, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये किस रूप से एक समान है? इनमें ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो चारों में मैच करता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सभी जो है मेटल तो है ही, ठीक है, सब मेटल है, चांदी मेटल है, तांबा मेटल है, सोना मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है। तो देखिए अपना ऑप्शन देखिए, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, या डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो हैं कीमती धातुएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी आपको पता ही होगा कि ये कीमती धातुएं हैं सबके सब। डैश कैन डिजॉल्व गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड को में घुलनशील, तो एक्वारेजिया में सोना जो होता है घुलनशील होता है। ठीक है, एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। डैश कार्बन का एक रूप नहीं है, कार्बन का रूप नहीं है। तो देखिए, हीरा कार्बन का रूप होता है, ये सब आपको पता ही होगा। सिलिकॉन नहीं होता है। ग्राफीन और फुलरीन तीनों कार्बन के रूप है, लेकिन सिलिकॉन जो होता है कार्बन का रूप नहीं होता है। आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेंट के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग आलू चिप्स से बहुत से खाए होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि चिप्स कम और फूला हुआ बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरा जाता है फ्रेंड्स, ताकि वो जो आलू के चिप्स है वो बासी ना होने दे उसे। तो गैस क्या होता है? तो वो गैस होता है आपको नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताना उचित नहीं समझता हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहा का मतलब जिंक लेपित लोहा होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक का लेप चढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, आपको कथन पढ़ना है, उसके जो उत्तर को आपको देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कथन क्या है, अभी कथन क्या करा, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है फ्रेंड्स। बात तो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन देखिए दूसरा कारण इसका क्या कहता है, यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो ये बात भी सही है, लेकिन देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग क्या कहता है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करते नहीं, दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अभिकथन का दूसरा देखते हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता, सही बात है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दांत का एनेमल किससे बना होता है। दांत का जो एनेमल होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, सबको पता होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो उसके कैल्विन साइकिल के स्टेज पर जाते जाते ही ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। कार्बन के प्रकार एवं उसके प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित जोड़ी का चयन करें। कार्बन के प्रकार एवं उसके प्रयोग के संबंध में से गलत जोड़ी का चयन करना है आपको यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन ब्लैक मुद्रण की कार्बन के प्रकार एवं उसके प्रयोग के संबंध में लिखित में से गलत चोरी का चयन करें। देखिए, हाइड्रोकार्बन प्लास्टिक निर्माण में यूज होता है, हीरा गहने के निर्माण में, ग्रेफाइट ईंधन के निर्माण में, लेकिन कार्बन ब्लैक मुद्रण की स्याही क्या नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से आपको अभी कथन और कारण आ गया, बल्ब के अंदर का तंतु तांबे से बना होता है, ठीक है, और कारण इसका पढ़िए आप लोग, आपका कारण क्या बोल रहा है, आमतौर पर बल्ब में हवा होती है, दोनों गलत है फ्रेंड्स। आप देखिए इसका ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों सही है नहीं, अभिकथन और कारण दोनों सही है नहीं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है नहीं, अभिकथन और कारण दोनों गलत है, ये सही हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे मैंने अभी बताया, अभी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसे हम लोग। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आप सबको पता ही होगा, NaOH होल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था, तो ये सबको पता ही होगा, ये भी क्वेश्चन। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु ये एटम बम का आविष्कार किया था। पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है, HNO3 शामिल होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में HNO3 शामिल होता है, गैस्ट्रिक जूस में HNO3 शामिल होता है। सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, सोल्डरिंग के लिए शीशा एवं टिन, सोल्डरिंग आपको पता ही होगा Pb+Sn का मिश्र धातु होता है, ठीक है, मिश्रित धातु होता है। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं होता है, तो देखिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब होता है, उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है, बिखराव होता है, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक, ये तो होता ही नहीं है फ्रेंड्स, गलत हो ही गया डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जाता है, तो फॉस्फाइन को ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होते हैं, फॉस्फाइन नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है, रेलवे के लिए 200% आपको इम्पोर्टेंट है, 200%। लुमिनस चमकदार हिस्सा, नॉन लुमिनस बिना चमकदार हिस्सा, ब्लू हिस्सा और गहरा हिस्सा, तो फ्रेंड्स इसका जो ब्लू हिस्सा होता है लौ का, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धर्म मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व कौन सा होता है,
देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड थर्ड पीरियड का जो थर्ड पीरियड होता है उसमें सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सोडियम और क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सॉरी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछा गया आपसे। तो सोडियम और क्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तीसरे पीरियड की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा होता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा होता है। तो सोडियम तो होता है फ्रेंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व, सोडियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व होता है, लेकिन क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व होता है। कैसे? 281 287, ठीक है, इसमें 7 इसमें 1, समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आज हमें कैसे भी इसे कंप्लीट करना है। डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन कौन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है फ्रेंड्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से या 5.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.5 या उससे कम ही होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इजी, जो कह लीजिए सब कुछ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कैडमियम का छर यूज किया जाता है उसमें। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो ये सबको पता है कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी आप सबको पता होगा कि सोडियम लाइट होता है। डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो हो जाएगा बोस आइंस्टीन घनीभूत BEC, ठीक है फ्रेंड्स, BEC। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए जिसमें से तीन बात कहा गया सही है, बाकी एक गलत है, हमें फाइंड आउट करना है। यह तत्वों के नामों के लिए एक शॉर्ट हैंड संकेतन है, सही बात है। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं, ये भी सही बात है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, नहीं ये गलत है। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया CL है, यस ये भी सही है। तो आपको आंसर पता लग गया इसके बारे में, सच नहीं है, तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका। गैल्वेनीकरण जंग से बचने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग करके इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आप जिंक, गैल्वेनाइजेशन का मतलब जिंक का पर चढ़ाना ही होता है। लासा म्यूकिलेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो उसे हम लोग गोंद के रूप में यूज कर सकते हैं। किस चीज़ के रूप में? गोंद के रूप में, ठीक है। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की जो शुद्धता या खरापन जिस कह लीजिए क्या होती है, तो होता है आपको 925। क्या होता है? 925। मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता, क्यों? ओके, इसका क्या होता है? CH4, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको O2 के उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या निकलेगा? CO2 + H2O, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा व्यास आयोडीन का ही होता है।
किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो 3 परमाणु क्रम, तो आप देखिए, एक होता है हाइड्रोजन, 2 होता है हीलियम, 3 होता है लिथियम, ठीक है, सोडियम 11। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो होते हैं आपको 6, ठीक है। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? तो उसे कहते हैं उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये आपको ये पता ही होगा, जूलियस ओपेनहाइमर जो थे, जो परमाणु बम का आविष्कारक भी कहलाते हैं। नेक्स्ट, गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्रोपेन गैस भरी जाती है, ये सबको पता ही होगा कि गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस भरी जाती है। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? अमोनिया में एक तीखी गंध पाई जाती है, किसमें? अमोनिया में। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए आपको एलम का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का? एलम का। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है? देखिए फ्रेंड्स, दो होता है, एक उष्मा शोषी होता है, एक उष्मा क्षेपी होता है। तो यहाँ से हम लोगों से पूछा गया है ओनली उष्मा शोषी के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है? तो होती है अपघटन प्रतिक्रिया, ठीक है, अपघटन प्रतिक्रिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि किसके कारण होती है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होता है, वनों की कटाई से बहुत बड़ा रोल है, वाहनों की संख्या में वृद्धि ये भी बहुत बड़ा रोल है, सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इस हिसाब से जो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा 3 वर्ड भरना है तो मैं आपको बता ही देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नीले लिटमस को लाल करता है, क्या करता है? तो नीले लिटमस को जो है अम्ल लाल करता है, ठीक है, अम्ल, और लाल रंग बदल देता है, और डैश एक सेकंड, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और छार, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अपूर्ण है, हाँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर हम लोग भर रहे हैं तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये तो आपका कंफर्म हो गया, और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, और छार जो होता है, छार लाल लिटमस को नीले रंग बदल देता है, हाँ सही है, और छार ये हो गया, छार ये हो गया लाल, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सही है फ्रेंड, सॉरी मैं इस क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ पाया था। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, और छार जो होता है लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में
आपसे पूछा गया है, इसमें बताना है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। सही बात है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। यह भी सही बात है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। गलत बात है। धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। सही बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि ये गलत आंसर है। पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी की पीएच वैल्यू अनुकूल मानी जाती है पौधों के विकास के लिए, वो कितनी होती है? तो होता है 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में। अगर मिट्टी का हमारा पीएच वैल्यू है तो पौधे के विकास के लिए सबसे अनुकूल मिट्टी मानी जाती है। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फल पकाने के लिए प्रयोग में आपको कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैंने आपसे मेरे हिसाब से 2 या 3 बार पूछ चुका हूँ। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि ये आप पूछा भी गया था 2-3 बार आपके NTPC एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का ऐसा क्या इसमें जो उपाय नहीं है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके, हाँ ये अगर हम करते हैं तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकता है। वनीकरण ये भी ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकता है। सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करके ये भी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए काफ़ी सहायक प्रस्तुत हो सकता है। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करके, नहीं ये तो गलत बात है। इससे हम लोग करेंगे तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्योंकि खाना पकाने के लिए अगर हम लकड़ी ईंधन का रूप के रूप में लकड़ी का यूज करते हैं तो लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉनस्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन डैश बॉन्डिंग शामिल होता है। कार्बन का कौन सा बॉन्डिंग शामिल होता है? तो कार्बन फ्लोराइड का जो होता है बॉन्डिंग शामिल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो ये फ्रेंड्स ये फिर क्वेश्चन गैल्वनाइजेशन, ये क्वेश्चन तो आप लोग को याद ही हो गया होगा, मैंने खुद ही इतना बार रिपीट कर दिया। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक कार्य पीरियोडिक फंक्शन है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के पीरियोडिक फंक्शन है, या डैश का कथन है, यह किसने कहा था? तो ये मेंडलीफ साहब के आवर्त नियम ने, मेंडलीफ साहब ने कहा था, उनका जो आवर्त नियम था उस नियम में कहा था। पेयजल आपूर्ति के लिए क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण डैश को दर्शाता है, तो क्या मानव अपशिष्ट से संदूषण को दर्शाता है? कंटामिनेशन बाय ह्यूमन वेस्ट। पेयजल में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति आपको क्या डैश के लक्षण दर्शाता है? कंटामिनेशन बाय ह्यूमन वेस्ट को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलेंस मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था, तो यह पीरियोडिक टेबल कंटेंट्स का विकास किया था। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर केमिस्ट्री हमारा जो है केमिस्ट्री हमारा ख़त्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। केमिस्ट्री हमारा जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन NTPC में पूछे गए थे ये हमारे ख़त्म होता है। और आज जैसे ही ये हमारा ख़त्म होता है हम लोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग नेक्स्ट बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर हो जाइए। मैं जल्द ही आज शाम से बायोलॉजी का बायोलॉजी आप लोगों के लिए अपडेट करूंगा। बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी में मेरे हिसाब से 250 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे
आपको एनटीपीसी एग्जाम में 300 के समथिंग, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से दो तीन चार वीडियो में कर पाऊंगा। 75 का मैं वीडियो कर दूंगा, 75 क्वेश्चन का, और आपका बायोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि हमारे वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी देखने में परेशानी होगी। और आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। रेलवे के अगर आपके मोबाइल में ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को ये नॉलेज मिल सके। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि रेलवे ने 26,000 सीट बढ़ा के 60,000 सीट कर दिया है। आप लोग तैयारी कीजिए, लोगों को तैयारी करने का मौका दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।